स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने वैसे 10th में भी पढ़ रखा है, हम बेसिक से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री किन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है? फर्स्ट इज ट्रिगोन, सेकेंड इज मीट्रो। ट्रिगोन का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रायंगल्स। मीट्रोन का क्या मतलब है? मेजरमेंट। मींस ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी। ए बी सी क्या है? इसके एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब ए एंगल के अपोजिट साइड्स को हम स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे, बी एंगल के सामने जो साइड है इसको स्मॉल बी से, सी एंगल के सामने जो साइड है इसको सी से। अब यहां से ए बी सी ये क्या है? एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एंड ए बी सी ये क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम यहां से ए बी सी एंगल और साइड्स ए बी सी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि एंगल। एंगल किस तरह से हम एंगल को डिफाइन करेंगे, किस तरह से एंगल्स को निकालेंगे। जैसे ये कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। ये हमने क्या ले लिए? एक फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन कोई भी दूसरी लाइन है वो इसके ऊपर ही हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे जो इसके ऊपर ही रखी गई है? रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन मींस ये लाइन मूव कर सकती है, लेकिन फिक्स्ड लाइन है ये मूव नहीं कर सकती। तो रिवॉल्विंग लाइन यहां से रिवॉल्व होके इस पोजीशन पे पहुंच गई। ये कौन सी लाइन हो गई? अब रिवॉल्विंग लाइन। यहां से इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो मींस ये जितना यहाँ पे एंगल बना है, ये मान लेते हैं हम क्या है? थीटा। इसी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? एंगल। मींस पाथ ट्रेस्ड आउट बाय रिवॉल्विंग लाइन इज कॉल्ड एन एंगल। ये कोई भी फिक्स्ड पॉइंट था, ये हमने कोई भी फिक्स्ड लाइन ले ली, इसी के ऊपर दूसरी कोई लाइन ले ली, उसको कह दिया हमने रिवॉल्विंग लाइन। मींस रिवॉल्विंग लाइन यहां से मूव कर सकती है, लेकिन फिक्स लाइन मूव नहीं कर सकती। रिवॉल्विंग लाइन मूव करने के बाद इस पोजीशन पे आ गई, और यहां से इसने जितनी भी ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको हमने क्या कह दिया? थीटा। इनके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में जो भी एंगल बना है, इसको क्या कह देंगे हम? एंगल। पाथ ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन, सो इट इज कॉल्ड एंगल। नाउ हमने एंगल की डेफिनेशन को देखा। एंगल 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल अभी तक हम पढ़ते आए हैं, अभी तक हमने नेगेटिव एंगल्स को नहीं पढ़ा है। हम 11th में क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव एंगल। जैसे ये 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। यहां हम वैल्यू किसकी लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यू। और इसके लेफ्ट में भी हम क्या वैल्यू लेते हैं? इस पॉइंट्स एक्स एक्सिस पॉइंट्स पे पॉजिटिव वैल्यू, इधर लेते हैं हम नेगेटिव वैल्यू, और नीचे की तरफ भी क्या लेते हैं हम? नेगेटिव वैल्यू। यानी कि ये चारों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो कोई भी ये फिक्स्ड पॉइंट था, और ये हमने क्या ली थी? फिक्स्ड लाइन। इसमें ये एंगल जो रिवॉल्विंग लाइन है वो रिवॉल्व होके इस पोजीशन पे पहुंच गई थी, ये हमारा क्या था? थीटा। तो मींस अगर ये ऊपर की तरफ, इस पोजीशन को बोलेंगे हम रिवॉल्यूशन ऑफ एंगल 2 मेथड से होता है। फर्स्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम दूसरा भी क्या कह सकते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। मींस अगर ये एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, मींस ऊपर की तरफ ये कौन सी पोजीशन है? एंटी क्लॉकवाइज।
देन एंगल हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर यही जो रिवॉल्विंग लाइन है ये एंगल नीचे की तरफ बना रही है, यहां से ये रिवॉल्विंग लाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई हमारी डायरेक्शन, और नीचे की तरफ कौन सी होती है? यहाँ पे एंगल पॉजिटिव, यहाँ पे एंगल नेगेटिव, ये कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होता है, तब हमारी जो रिवॉल्विंग लाइन है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तब एंगल हमारा क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। अगर यही रिवॉल्विंग लाइन नीचे की तरफ मूव कर रही है और एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 का एंगल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 है तो ये एंगल क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। अगर यही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो क्या ले लेंगे? माइनस 30। इसको कैसे लिख देंगे? पॉजिटिव 30 एंगल और ये माइनस 30 एंगल है। ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में तो हमारी जो वॉच होती है, वॉच किस तरह से मूव करती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आती है ना, मूव करती करती। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। जस्ट यानी कि वॉच को देख लेंगे हम, ये डायरेक्शन जो वॉच की डायरेक्शन होती है वो किस फॉर्म की होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। एंड इससे अपोजिट डायरेक्शन लेंगे वो किसकी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि इसमें क्लॉकवाइज में हमें एंगल लेंगे वो नेगेटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। इसमें हम अब राइट एंगल देखेंगे। वैसे तो हमें पता है राइट एंगल एंगल कौन सा होता है, ये कोई भी सर्कुलर पाथ है, ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे कितने का बनाता है? 360 डिग्री। ये यहाँ से कोई भी हमने फिक्स लाइन ले ली और ये रिवॉल्विंग लाइन, ये रिवॉल्विंग लाइन अगर इसका 1/4 कंप्लीट सर्कल का 1/4 पार्ट अगर कवर कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने का है? 360। 1/4 इसको करेगा तो यहाँ से एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री। मीन्स राइट एंगल में कम जो रिवॉल्विंग लाइन है कंप्लीट सर्कल का कितना पार्ट कवर करती है? 1/4 पार्ट। नाउ अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल। फर्स्ट इज इंग्लिश सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम ये हमारा क्या होता है? ओल्ड सिस्टम है। मेजर ऑफ एंगल्स का क्या है? ये ओल्ड सिस्टम है। इसमें वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। किसमें मेजर करते हैं हम इसको? डिग्री में। एंड 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। ये किसको डिनोट कर रहा है? मिनट। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड सिस्टम। वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। एंड 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 60 मिनट। ये किसको डिनोट कर रहा है? मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड। इसको इस सिस्टम को हम डिग्री में मेजर करते हैं। आगे है सेकंड फ्रेंच सिस्टम, इसको बोलते हैं हम सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटी मींस 100। इसमें वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 100 जी। जी मींस यहाँ पे ग्रेड। इस सिस्टम को किसमें मेजर करते हैं हम? ग्रेड में। वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 100 की पावर g, मींस 100 ग्रेड। एंड वन मिनट किसके इक्वल होगा? सॉरी, 1 ग्रेड किसके इक्वल होगा? 100 मिनट। मिनट को हम इसमें, जैसे मिनट को इसमें हमने ऐसे सीधी लाइन से डिनोट किया, इसमें क्या कर देंगे? थोड़ी ऐसे। ये कौन सी यूनिट होगी? मिनट वाली, ग्रेड वाली मिनट है। कौन सी मिनट है? ग्रेड वाली। एंड 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 100 सेकेंड। यानी कि इसमें हमने ऐसे लाइन को डिनोट कर दिया और इसमें भी, ये सेम इन्हीं को डिनोट कर रही है, ये भी मिनट और ये भी सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ये कौन सी है? ग्रेड वाली मिनट एंड ग्रेड वाली सेकेंड। नाउ थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। नाउ सर्कुलर सिस्टम 11th वाले स्टूडेंट के लिए एक न्यू सिस्टम है। इसमें वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन में 2 रेडियन। किसके इक्वल होता है? वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन में 2 रेडियन। हम रेडियन को कैसे डिनोट कर सकते हैं? पाई अपॉन में 2c।
इसके ऊपर क्या लगा देंगे सी, ये भी किसको डिनोट कर रहा है रेडियन को, यानी कि इस सिस्टम में वन राइट एंगल पाई अपॉन टू रेडियन के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडियन मेजर। रेडियन को देखो, ये कोई भी फिक्स लाइन थी हमारी, और ये कौन सी लाइन थी, रिवॉल्विंग लाइन, फिक्स लाइन। ये एंगल यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है। अब ये क्या है, कोई डिस्टेंस है, इसको हम आर रेडियस मान लेते हैं, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं एल। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा इनके बीच में एंगल किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल यहां से जो थीटा एंगल है वो किसके इक्वल होगा, आर्क की जो लेंथ है अपॉन में रेडियस। यहां से एंगल को हम थीटा कह देंगे और आर्क की जो लेंथ है उसको एल और रेडियस को आर से डिनोट कर देंगे। ये किस सिस्टम में होता है, सर्कुलर सिस्टम। कौन से सिस्टम में होगा ये एंगल, सर्कुलर सिस्टम में, और हमेशा यहां से थीटा किस फॉर्म में आएगा, रेडियन फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में। अब एंगल हो गया हमारा आर्क अपॉन में रेडियस। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल। यहां से ये सेंटर है और इसको हम क्या कह देंगे, रेडियस आर। यहां से रिवॉल्विंग लाइन मूव कर रही है और इस डिस्टेंस को क्या कह देंगे एल। हमेशा देखो ये जो रेशियो आएगा इसकी यूनिट लेंथ की और रेडियस की यूनिट सेम आएगी, क्योंकि हम हमेशा उसी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें ये इनकी सेम यूनिट हो। जैसे ये हो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर अपॉन में 200 मीटर, क्या हम इस रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर तब तक नहीं कर सकते कि हमने इन दोनों की यूनिट सेम ना बना ली, तो हमेशा जो ये रेशियो आएगा ये तभी पॉसिबल होगा कि इसकी लेंथ और रेडियस की जो यूनिट होगी वो सेम यूनिट में आए। जैसे किलोमीटर में है तो किलोमीटर में दोनों, मीटर में है तो मीटर में। अब हम रिलेशन निकालेंगे किस किस के बीच में, डिग्री एंड रेडियन। ये यहां से थीटा किसके इक्वल था, ऊपर से एल अपॉन में आर, मीन्स थीटा था हमारा एंगल, एल क्या है आर्क, आर्क की लेंथ अपॉन में रेडियस। यहां से एंगल, कंप्लीट एंगल ये यहां पे कितने का बनाएगा, 360। आर्क मींस ये आर्क है ये जो कंप्लीट वाली, तो यहां से इसका क्या निकलेगा, कंप्लीट आर्क के लिए सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, उसकी लेंथ 2 पाई आर अपॉन में रेडियस क्या है आर, यानी कि आर से आर कैंसिल। यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 360 डिग्री है, यानी कि 2 पाई, ये पाई है किसमें है, रेडियन में। 2 पाई किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री। यहां से पाई की वैल्यू निकालेंगे, ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। पाई किसमें है, रेडियन में, यानी कि रिलेशनशिप आ गया हमारे पास पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन से हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में, यूजिंग दिस रिलेशन पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180। हमें इस फॉर्मूले को रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखो यहां से ये कंप्लीट एंगल कितने का बना रहा है, 360 का, और ये कंप्लीट आर्क है हमारी आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क मींस इसमें क्या निकलेगा, इसके लिए कंप्लीट डिस्टेंस क्या होगी, इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की जो लेंथ होती है किसके इक्वल होगी, 2 पाई आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, यानी कि 2 पाई यहां से किसके इक्वल आ गया, 360। और ये जो पाई है ये थीटा वाला रिलेशन है, यहां से जो ये थीटा होता है किसमें होता है, ये रेडियन में, तो ये रेडियन 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया, 360 के, तो पाई रेडियन यहां से 180 डिग्री के इक्वल आ गया। हमने पढ़ा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन, तीनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। डिग्री को डी से डिनोट कर देते हैं, ग्रेड को जी से और रेडियन को आर से। यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहे हैं, देखो हम यहां से वन राइट एंगल लेके चलेंगे, हर केस में इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा,
वन राइट एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है 90 एंड वन राइट एंगल कितने ग्रेड के इक्वल होता है 100 ग्रेड एंड वन राइट एंगल कितने रेडियन के इक्वल होता है ये तीनों सिस्टम हमने पढ़े थे इंग्लिश फ्रेंच एंड सर्कुलर सिस्टम उसमें वन राइट एंगल को हमने डिफाइन किया था डिग्री में वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है और वन ग्रेड में वन राइट एंगल 100 ग्रेड के एंड इन रेडियन वन राइट एंगल इज इक्वल टू द पाई अपॉन 2 2 पर चला जाएगा d अपॉन में 90 g अपॉन में 100 2r अपॉन में पाई 2r अपॉन में पाई ये किसका रिलेशन आ गया डिग्री ग्रेड एंड रेडियन का इस रिलेशन से हम कन्वर्जन के जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अब हमें चेंज करना है कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करेंगे रेडियन टू डिग्री फिर चेंज करेंगे हम डिग्री टू रेडियन तो यहां से देखो पाई रेडियन किसके इक्वल था 180 डिग्री हमें मीन्स रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो वन रेडियन यहां से किसके इक्वल आ जाएगा 180 अपॉन में पाई यानी कि हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा 180 अपॉन में पाई सिमिलरली हमें चेंज करना हो डिग्री टू रेडियन तो यहां से क्या हो जाएगा 180 डिग्री किसके इक्वल है पाई रेडियन यानी कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने तो डिग्री को मैंने आगे लिख लिया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन तो यहां से हमें पता चल गया अगर रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा हमें 180 अपॉन में पाई से अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तब किससे मल्टीप्लाई करना होगा किस क्वांटिटी से पाई अपॉन 180 डिग्री अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे कि इतने रेडियन को डिग्री में चेंज करो इतने डिग्री को रेडियन में चेंज करो फॉर एग्जांपल पाई बाई 3 को हमने किस में चेंज करेंगे हम डिग्री में तो यहां से हमें पता है ना पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री तो यहां से 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया 180 अपॉन में हमें कितने रेडियन को चेंज करना है पाई अपॉन 3 तो यहां से पाई अपॉन में 3 रेडियन किसके इक्वल आ गया 180 अपॉन में पाई इंटू में पाई अपॉन में 3 पाई से पाई कैंसिल हो रही है किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 रेडियन किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री नब अगर हमें पाई बाई 4 करेंगे तो यहां से पाई बाई 4 किसके इक्वल आ जाएगा कितने रेडियन के किसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन में पाई रेडियन टू डिग्री में चेंज करते हुए 180 अपॉन पाई से हमें मल्टीप्लाई करेंगे मींस पाई अपॉन में 4 कितना आ गया यहां से 45 डिग्री अब हम चेंज करेंगे फॉर एग्जांपल 75 डिग्री को रेडियन यहां से हमें अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करते टाइम किसे मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 डिग्री से तो यहां से सीधा हम इसको कर सकते हैं 75 इंटू में पाई अपॉन में 180 इसको कट कर देंगे ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर और ये किस में चेंज हो जाएगा रेडियन में ये यहीं से आया है ये रिलेशन डिग्री गिवन था हमें तो मींस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 यहां से हमें कितने डिग्री गिवन है 75 डिग्री तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी 75 इंटू पाई अपॉन में 180 इसको 5 से कट कर देंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा रेडियन तो हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है रेडियन टू डिग्री में चेंज करते हुए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई डिग्री को रेडियन में चेंज करते हुए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट हम करेंगे 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें चेंज करेंगे हम रेडियन में डिग्री को किसमें चेंज करेंगे लास्ट में रेडियन में तो यहां से देखो हमने अभी तक पढ़ा था ओनली डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास मिनट 20 मिनट 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट 1 मिनट यहां से किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन में 60 डिग्री नाउ यहां से 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट तो 20 मिनट गिवन है 20 मिनट के हम डिग्री में चेंज करेंगे किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन में 3 डिग्री अब 40 डिग्री हमें गिवन है किस तरह से लिखेंगे इसको प्लस में 1 अपॉन में 3 डिग्री ये कितना आ गया 120 1 अपॉन में 3 डिग्री अब हम डिग्री को इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं किससे मल्टीप्लाई होगी पाई अपॉन 180 से
मीन्स पाई अपॉन में 180, ये किस में चेंज हो गई यहाँ से 540 रेडियन। रेडियन को हम सी से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 5 degree 37 minute 30 second, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता है सेकंड को किस में चेंज करेंगे, मिनट को, मिनट में, और मिनट को फिर किस में करेंगे डिग्री में, फिर डिग्री को किस में करेंगे रेडियन। तो यहां से 1 degree 60 minute, 1 minute 60 second, यहाँ पे 30 second गिवन है, तो 1 second किसके इक्वल होगी 1 upon 60 minute। यहां से 30 कितनी होगी 1 upon 2 minute, इसके इक्वल आ गई। मिनट कितनी थी हमारी पहले 37 प्लस में 1 upon 2, ये कितना आ गया यहां से 47 प्लस में 1 upon 2, मीन 75 upon 2 क्या आ गई हमारी मिनट। अब मिनट को किस में चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री में कैसे किया था 1 degree = 60 minute, 1 minute = 1 upon 60, और यहां से हमारे पास 75 upon 2, 75 upon 2 into 1 upon 60, ये किस में चेंज हो गया अब डिग्री में, ये कंप्लीट डिग्री में चेंज हो गया। और आगे डिग्री कितनी की बना में 5, यहां से सोल्व होने के बाद 5 upon 8 degree आ जाएगी, और पहले कितनी गिवन है हमें 5 degree, तो 5 degree प्लस में 5 upon 8 degree, यहां से हमारा इसको सोल्व करने के बाद 5 upon 8 degree आ गया, और आगे क्या है हमारा 5 degree, तो ऐड कर देंगे हम 5 degree प्लस में ही कितना आ गया 40 प्लस में 40 प्लस में 5 = 45 upon 8 degree। अब डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तब कितना आएगा पाई अपॉन में 32 रेडियन। रेडियन भी लिख सकते हैं और हम इसको सी से डिनोट कर सकते हैं, तो यानी कि ये 5 degree 37 minute 30 second किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन में 32 रेडियन। थैंक्स एवरीवन।